ट्विन टावर्स का मालिक कौन है? 34 कंपनियां, अरबों का टर्नओवर, देश भर के करीब 12 शहरों में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट। जिस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें लगी थी, वो ट्विन टावर चंद सेकंड में ही गिरकर ध्वस्त हो गया है और अब एक इतिहास बन गया है। 32 और 29 मंजिला दोनों इमारतें अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में कौन रहा है, और वो सवाल है कि आखिर इसे बनाने वाला शख्स कौन है, इस ट्विन टावर्स का मालिक कौन है, और कैसे उसने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। चलिए इन सवालों का जवाब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन है ट्विन टावर का मालिक। सुपरटेक कंपनी के मालिक का नाम आरके अरोड़ा है। आरके अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी की है। ये कंपनियां सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन तक के काम करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरके अरोड़ा ने कब्रगाह बनाने तक की भी कंपनी खोली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आरके अरोड़ा ने ये कंपनी कैसे शुरू की। आरके अरोड़ा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 7 दिसंबर 1995 को इस कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र, मेरठ, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के करीब 12 शहरों में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। आरके अरोड़ा ने रियल एस्टेट में अपना नाम बना लिया। अरोड़ा ने एक के बाद एक 34 कंपनियां खोली। ये सभी अलग अलग कामों के लिए थी। सुपरटेक लिमिटेड शुरू करने के 4 साल बाद 1999 में उनकी पत्नी संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली थी। आरके अरोड़ा ने अपने बेटे मोहित अरोड़ा के साथ मिलकर पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिलिंग सेक्टर में भी काम शुरू किया। देश में ये अपनी तरह का पहला मामला था जब हजारों किलो विस्फोटक से इतने भीमकाय टावर को गिराया गया हो। जमीन दर्ज होने से पहले ही आसपास के पूरे इलाके में हर तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। जैसे ही घड़ी में 2:30 बजे ट्विन टावर विस्फोट से भरभरा कर गिर गया और आसपास बेतहाशा धूल का बड़ा सा गुब्बारा फैल गया था।